आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी में रहेंगे, जहां मुख्यमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट से जंगमबाड़ी मठ पहुंचेंगे और जहां पर आयोजित श्री जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी का पंचाधिक शताब्दी महोत्सव कार्यक्रम में शामिल भी होंगे। साथ ही सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और यहाँ की देश में नया उत्साह दिखाई दे रहा है, साथ ही भारत की योग परंपरा को दुनिया ने अपनाया है और वैश्विक मंच पर भी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत एक सशक्त देश बना है। बता दें कि सीएम योगी विकास कार्यों को लेकर समीक्षा भी करेंगे। और आपको सुनाते हैं कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में क्या कुछ कहा। किसी भी मठ ने ये नहीं कहा मुझे कि मैं यहां क्यों आ रहा हूं। बड़े स्वागत के साथ, बड़ी आत्मीयता के साथ उन लोगों ने वहां पर मेरे साथ पूरे अभियान के साथ जुड़ करके उस पूरे अभियान के साथ वे जुड़े थे। और इसीलिए जब शताब्दी महोत्सव गुरुकुल का यहां पर हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यक्रम हुआ, उससे पहले भी मुझे यहां आने का अवसर प्राप्त हुआ और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे चौथी बार इस जंगमबाड़ी मठ में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। धर्म के प्रचार के साथ साथ वीर शैव मठ की दार्शनिक परंपरा को प्रतिष्ठापित करने के साथ ही भारत और भारतीयता और धर्म की स्थापना के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मैं इन सब का अभिनंदन करता हूं और आज के इस अवसर पर डॉक्टर मल्लिकार्जुन शिवाचार्य महास्वामी को, जिनका पटाभिषेक का यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हुआ है, इस अवसर पर उन्हें अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, काशी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काशी विश्वनाथ धाम बहुत अच्छे रूप में संवर चुका है और एक नए रूप में दुनिया के सामने आया है कि हमारे धर्म स्थलों की स्थिति क्या। आदित्यनाथ ने कहा कि देश सवर रहा है और पहले से आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि वाराणसी दौरे पर है, 2 दिवसीय दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री बाबतपुर एयरपोर्ट से जंगमबाड़ी मठ पहुंचे सबसे पहले, जहां पर आयोजित श्री जगतगुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य महास्वामी का पंचाधिक शताब्दी जन्मोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें वो शामिल हुए। साथ ही सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और कहा कि देश में एक नया उत्साह दिखाई दे रहा है, साथ ही भारत की योग परंपरा को दुनिया ने अपनाया है और वैश्विक मंच पर भी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। इस बात को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान कहा। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विभांशु, सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित है सीएम योगी आदित्यनाथ के? पहुंच चुके हैं। वहीं आपको बताएं कि योगी आदित्यनाथ सबसे पहले जगतबाड़ी मठ पहुंचे, वहां पे आयोजित कार्यक्रम में जगत गुरु विश्वेश्वर शिवाचार्य की पंचाधिक शताब्दी में उन्होंने जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं आपको बताएं कि प्रधानमंत्री की जो प्रस्तावित कार्यक्रम है जून के अंदर में, 16 जून में माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में दौरा कर सकते हैं, इसको लेकर तैयारियों को भी जायजा लेने मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। वहीं आपको बताएं कि आज 11:50 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनारस पहुंचते हैं, वहां संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में उनका हेलीपैड बनाया गया था, वहां वो पहुंचते हैं और उसके बाद वो जगमबाड़ी मठ पहुंचते हैं। आपको बताएं कि मठ जाने के बाद 2:15 को उनका सर्किट हाउस पहुंचने का कार्यक्रम था। वहीं आपको बताएं कि 3 बजे से 4 बजे तक वो जो जनप्रतिनिधि है, जो कार्यकर्ता है, उनसे बैठक करके और पार्टी के काम और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के जो आगमन हो रहा है 16 जून के अंदर में, उसके लिए चर्चा किए। साथ ही आपको बताएं कि अब मुख्यमंत्री इस वक्त अगर बात करें तो कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर एक बैठक कर रहे हैं, जिसमें अगर बात करें तो बनारस के हर एक आला अधिकारी मौजूद है, जिसमें बनारस में शांति व्यवस्था स्थापित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं।
वहीं अगर बात की जाए तो 6-10 से 7-10 तक डीएवीपी पीजी कॉलेज में 14वीं शताब्दी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे। वहीं अगर बात की जाए तो 7:30 बजे उनके कार्यक्रम मंदिर में रखे गए हैं, जहां वो काशी विश्वनाथ पहुंचेंगे, साथ ही साथ संकट मोचन मंदिर का भी दर्शन करने की बात कही जा रही है। वहीं आपको बताएं कि जो बनारस के अंदर में विभिन्न परियोजनाएं चल रही है, चाहे बात की जाए जो वहाँ फोवलेन की हो, चाहे बात की जाए रिवर फ्रंट बनाने की हो, तो इन सब परियोजनाओं जो वहाँ प्रस्तावित है उसके काम की भी समीक्षा करेंगे। वहीं आपको बताएं कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जो अलग अलग जायजा लिया जाता है, उसी क्रम में आपको बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिया जा रहा है कि कानून व्यवस्था स्थापित करने के लेकर हर एक सुरक्षा के इंतजाम किए जाए। साथ ही आपको बताया कि देश में जो ज्ञान व्यापी को लेकर विवाद चल रहा है, तो उसी क्रम में ज्ञान व्यापी विवाद को कहीं ना कहीं बनारस के अंदर में जो ज्ञान व्यापी मस्जिद है उसमें कुछ ऐसा ना देखने को मिले, इसके लिए कानून व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए जा रहे हैं। और इस वक्त मुख्यमंत्री आला अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। वही शिखा आपको बताएं कि आज बनारस के अंदर में मुख्यमंत्री के दौरे के बाद जो शहर के रूट है उसमें डाइवर्जन किए गए हैं, कई रूटों को डाइवर्ट करके जहां से मुख्यमंत्री का काफिला गुजरना है उन रूटों को डाइवर्ट करके मुख्यमंत्री के हर एक मतलब यातायात में कहीं दिक्कत ना आए, जिसके लिए हर एक यातायात विभाग का प्रयास किया गया है। वहीं आपको बताएं कि मुख्यमंत्री आज की बैठक जो अभी अधिकारियों के साथ चल रही है उसमें पुलिस प्रशासन के साथ साथ यातायात के भी अधिकारी हैं, क्योंकि अगर बनारस के अंदर में जाम एक बहुत बड़ी दिक्कत है, तो इससे निजात लेने को लेकर अधिकारी उनको एक मॉडल पेश कर रहे हैं जिसको जल्द ही बनारस के अंदर इंप्लीमेंट किया जाएगा जाम मुक्त बनाने को लेकर। विभाषियों के संबोधन के दौरान सीएम योगी ने कहा कि भारत की योग परंपरा को दुनिया ने अपनाया है और वैश्विक मंच पर भी भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी, और इसको लेकर सीधा सीधा पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दिया गया। क्या कहेंगे इस पर? जी बेशक योग की बात की गई है तो कहीं ना कहीं योग का जनक भारत को माना जाता है, और साथ ही साथ जो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है उसकी शुरुआत भारत से की गई थी। नेशनल योगा डे के तौर पर 21 जून को अगर देखें तो अगर विश्व भर में योगा डे मनाया जाएगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ उसको भी समीक्षा कर रहे हैं, और साथ ही योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाए जा रहे योग दिवस जो उनके द्वारा चलाया गया था जब वो प्रधानमंत्री बने थे, तो 21 जून उसका तय किया गया था, तो कहीं ना कहीं उसकी भी जो योग की एक भारत की पहचान है उसके लिए भी दिशा निर्देश दिए। वहीं आपको बताएं कि आज जो मठ गए थे योगी आदित्यनाथ, तो वहां अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि भारत में अनेक जाति जनजाति के लोग रहते हैं और सब मिलके रहते हैं, ये बंटवारे के लिए नहीं बल्कि वसुधैव कुटुंबकम जो एक नारा दिया गया है कि सब एक रहे और अपने जो तमाम नीति है उसको माने, उसी के क्रम में मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम ऐसे निर्देश दिए जा रहे हैं। वहीं आपको बताएं कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में निर्देश दिए गए हैं कि जो भी व्यक्ति सम्मिलित होगा उन्हें कोरोना को लेकर RT-PCR कराना होगा, तो कहीं ना कहीं हर एक जो बेसिक नॉर्म्स है उसको माना जा रहा है। वहीं आपको बताएं कि आज के सूबे के मुख्यमंत्री के जो दौरा है उसको लेकर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बनारस के अंदर में एक कड़ा इंतजाम किया गया है, पुलिस की हर एक टुकड़ी को यातायात से लेकर और हर एक सुरक्षा जहां पे मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है वहां पे पुलिस का पूरा कड़े इंतजाम किया है सुरक्षा के लिए। प्रधानमंत्री के आने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं और उसी का जायजा लेने सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े थे। तो वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में पहुंचकर एक कार्यक्रम के दौरान इस बात को कहा है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर आने वाले, जिसको लेकर समीक्षा करने खुद सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,841 नए केस मिले हैं, जबकि कुल 9 मरीजों की मौत हुई है। शुक्रवार को दर्ज किए गए केस कल के मुकाबले 0.5% ज्यादा है। देश में अब तक कोरोना के 4,31,16,254 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं संक्रमण के चलते देश में 5,24,190 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में 18,604 एक्टिव केस हैं।
देश में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले इन मामलों में बहुत कमी दर्ज की जा रही थी, लेकिन एक बार फिर इन मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य महकमा भी सतर्क हो गया है और एक बार फिर से लोगों को मास्क का प्रयोग करने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़े हुए हैं। विभांशु, 2841 नए मामले सामने आए, एक बार फिर हजारों के ऊपर गिनतियां सामने आ रही है कोरोना मामलों की, क्या कहेंगे? विभांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है संवाददाता से। तो लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और 9 मरीजों की मौत भी हुई है 24 घंटे में। हालांकि राहत की बात यह है कि जिस तरह से संक्रमण के मामले देखने को मिल रहे हैं, रिकवरी भी उतनी तेजी से देखने को मिल रही है। 2841 नए केस मिले हैं, जिसमें 9 मरीजों की मौत कोविड की वजह से बताई जा रही है। शुक्रवार को दर्ज किए गए केस कुल बीते दिनों के मुकाबले 0.5% ज्यादा बताए जा रहे हैं। और देश में अब तक कोरोना के 4,31,16,254 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं संक्रमण के चलते देश में 5,24,190 लोगों की मौत हो चुकी है। आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, 18,604 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं इस वक्त देश में। तो कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि रिकवरी भी तेजी से बढ़ रही है। वहीं वैक्सीनेशन को भी बहुत तेजी से बढ़ाया गया है, लगभग सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और अब बूस्टर डोज की बारी है। बूस्टर डोज भी तेजी से लगाया जा रहा है ताकि लोगों की जो इम्यूनिटी है उसको और बेहतर बनाया जा सके। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और बीते दिन के मुकाबले 0.5% मामले ज्यादा सामने आए हैं आज, क्या कहेंगे? आखिर क्या वजह बताई जा रही है? लापरवाही एक बार फिर से देखने को मिल रही है लोगों के बीच। जी शिखा, आपको बता दें कि अगर 24 घंटे की बात करें तो देश भर में 2841 मामले सामने आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर दिल्ली जो है वो पॉजिटिविटी का जो केंद्र है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसका पॉजिटिविटी रेट के हिसाब से 0.95% पॉजिटिविटी रेट है। तो कहीं ना कहीं देखें तो दिल्ली के अंदर से जो केस की संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें तो दिल्ली में तमाम जगहों से लोग आगंतुक आते हैं अपने काम के लिए या देश विदेश से या तमाम कार्यों को लेकर लोग दिल्ली पहुंचते हैं। और दिल्ली से कहीं ना कहीं अगर दिल्ली के अंदर में संक्रमण को जो रफ्तार है देश भर में ज्यादा है, तो स्वास्थ्य मंत्रालय और साथ ही साथ जो कोरोना प्रबंधन को लेकर टीम बनाई गई है तो उसको दिल्ली के अंदर में कुछ ऐसे नियम को बनाना चाहिए कि दिल्ली के अंदर जो फैलने की संकेत बताए जा रहा है कि फैल सकता है, तो आशंका जताई जा रही है। तो दिल्ली के अंदर में कुछ ऐसे नियम लगाने चाहिए जिससे जो कोरोना के केस देश भर में दिल्ली में ज्यादा आ रहे हैं उस पर रोकथाम लग सके। वहीं अगर बात की जाए तो WHO ने कहा है कि यूरोप के अंदर में 20 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी है। वहीं अगर बात की जाए भारत की तो भारत में पॉजिटिविटी रेट 0.95% है, जो कि अगर बात करें तो पहले दूसरे और तीसरे वेव की अगर तुलना की जाए तो बहुत ही कम है। मगर अगर कोरोना मुक्त भारत करना है तो कहीं ना कहीं दिल्ली पर जो स्वास्थ्य मंत्रालय उसे विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली से केस की संख्या अगर बात करें तो देश की राजधानी में कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिल रही है। वहीं आपको बताएं कि हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़े के अनुसार दिल्ली में गुरुवार को 1,032 मामले मिले हैं। तो कहीं ना कहीं जो एयरपोर्ट प्रशासन है, साथ ही साथ रेलवे प्रशासन है और जो भीड़ के इलाके हैं उन सब जगहों पे जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको बहुत ही सही ढंग से पालन करने के लिए निर्देश जारी होने चाहिए और मास्क और जो 2 गज दूरी की सीमा तय की गई है उसको कड़ाई से पालन कराने से ही रोकथाम हो सकेगा। वही अगर बात की जाए सभी लोगों का वैक्सीनेशन तो हो चुका है, अब बूस्टर डोज की तरफ देश बढ़ रहा है, तो लोग कितनी रुचि ले रहे हैं इसमें और कितना जरूरी है बूस्टर डोज लगवाना? ये बेशक अगर बात की जाए तो कोरोना की पहली डोज लगाने के लिए जो हर एक बूस्टर जो
जहाँ पे भी वो डोज लगाए जा रहे थे उन सब जगहों पे भारी भीड़ देखने को मिल रही थी, मगर दूसरे जो डोज लगाए गए उसमें कहीं ना कहीं भीड़ की जो रफ्तार थी वो कम हो गई। वहीं अगर बात की जाए बूस्टर डोज की, तो बूस्टर डोज के लगवाने को लेकर कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है वो अभी उस रफ्तार में नहीं दिख रहा है जैसे पहले और दूसरे डोज में दिखा। वहीं अगर बात की जाए तो बच्चों की वैक्सीन की जो दूसरी डोज थी वो उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात की जाए तो बूस्टर डोज को लेकर एक जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है स्वास्थ्य मंत्रालय और जो भी जिम्मेदार है, क्योंकि अगर बूस्टर डोज की बात की जाए तो बूस्टर डोज अगर राजधानी लखनऊ की बात करें तो हर एक जगहों पे अभी मौजूद नहीं है, और अगर देखें तो जागरूकता अभियान चलाकर बूस्टर डोज लगवाने को लेकर लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। शिखा जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु मौर्य त्रिपाठी जुड़े थे लखनऊ से। रुक करेंगे अगली खबर का, खबर अलीगढ़ से है जहां नगर निगम से मांगी गई आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आरटीआई एक्टिविस्ट ऐतिहासिक मस्जिद को लेकर नगर निगम में आरटीआई पिछले वर्ष डाली गई थी। ये मस्जिद सार्वजनिक जगह पर बनी हुई है, इस मस्जिद का मालिकाना हक भी किसी का नहीं दर्शाया गया है। पंडित केशव देव शर्मा ने कहा है कि इस मस्जिद को लेकर डीएम और अधिकारियों को पत्र लिखा है, अवैध रूप से बनी मस्जिद को गिराया जाए। आगे उन्होंने कहा कि मस्जिद को लेकर मेरी मांग नहीं पूरी हुई तो मैं कोर्ट की शरण लूंगा। आईटीआई डाली गई है और उसमें सत्यता है, तो मैं फिर नगर निगम भी यही कह रहा है कि ये अवैध बनी हुई है, तो जो चीज अवैध है वो अवैध है, जामा मस्जिद हो चाहे कोई भी हो। नहीं गई है जिसको लेकर अब मांग उठाई जा रही है कि अवैध बनी हुई मस्जिद पर सख्त एक्शन लिया जाए। आरटीआई में इस बात का खुलासा भी हुआ है। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितेश माहेश्वरी जुड़ चुके हैं अलीगढ़ से। नितेश, सबसे पहले हम इस मस्जिद के बारे में पूरी जानकारी चाहेंगे, कब इसका निर्माण हुआ और क्यों इसे अवैध बताया जा रहा है? हाँ, मैं आपको बता दूं, इस मस्जिद का निर्माण 1724 में जो अंग्रेजों के शासन काल में हुआ था, और चार साल में ये मस्जिद बनकर तैयार हुई थी 1728 में। और इस मस्जिद की अगर बात करिए तो एक ऐतिहासिक और बहुत पुरानी मस्जिद है, और एक तीन बीघा जमीन में ये मस्जिद बनी हुई है, और बहुत ही बड़ी मस्जिद के नाम से और जामा मस्जिद के नाम से इसको जाना जाता है। जी, लेकिन एकदम से सडनली इस मामले को इतना तूल क्यों पकड़ रही है, क्यों अब इसे अवैध बताया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है कि नगर निगम भी इसे अवैध बताया जा रहा है, आखिर अवैध बताने की वजह क्या है? आरटीआई की जो रिपोर्ट डाली गई थी उसमें इसकी जो जमीन है वो उस पर कोई मालिकाना हक ना होने की वजह से इस जमीन इसको अवैध माना जा रहा है, और लगातार केशव देव के द्वारा और पूर्व मेयर शकुंतला भारती के द्वारा जो एप्लीकेशन दी गई थी उस एप्लीकेशन के आधार पर वो लगातार एक बयान दे रहे हैं कि इस मस्जिद को तोड़ा जाए। जी, तो अब इस मामले में क्या कार्रवाई होगी? अब आगे कार्रवाई की अगर बात करी जाए तो लगातार इस आधार पर काम हो रहा है, और इसको आरटीआई कंपनी आरटीआई की वजह से इसको देखा जाए तो ये अवैध मानी जा रही है। बाकी आगे देखना होगा कि क्या होगा, आगे क्या प्रक्रिया होगी प्रशासन की और क्या कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर में हमारे साथ संवाददाता नितेश माहेश्वरी जुड़े थे अलीगढ़ से। संवाददाता, तो पंडित ने डीओ आरटीआई में इस बात का खुलासा हुआ है कि ये जो मस्जिद है वो अवैध है, इसे अवैध बताया जा रहा है और इस पे सख्त कार्रवाई की एक्शन लेने की मांग करी जा रही है। खबर मथुरा से है जहां डॉक्टरों की कमी के चलते जिला अस्पताल में मरीज परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा और स्वास्थ्य सेवाओं का विरोध भी किया। वहीं आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को समझाया, साथ ही मामले को रफा दफा किया। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, परंतु धरातल पर कुछ और ही देखने को मिलता है। जिस तरह से पीड़ित आरोप लगा रहे हैं कि रात के वक्त ना ही कोई उनकी सुध लेने आता है और ना ही व्यवस्थाएं सही है। भैया, मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ तमाम लोग
पेशेंट भर्ती है, उनकी कोई देखभाल नहीं है कैसी भी। ये बात तो सही कह रहे हैं। तमाम बड़ी बूढ़ी भर्ती है, सब तरह के लोग भर्ती हैं, कोई कैसी भी सुनवाई नहीं है किसी प्रकार की। और सबके साथ अभद्रता प्रयोग कर रहे हैं सब लोग, और कोई कैसी भी सुनवाई नहीं है। सुन लो, लेते हुए क्या मतलब हुआ, आप लोग यहाँ पे ड्यूटी के लिए अलाउड हुए हो कि यहाँ पे फोन चलाने के लिए? कर्मचारियों से काम करा रहे, ऊपर से उल्टा सीधा बोल रही है, ये बोल रही है उसमें जो करा जाए वो कर ले। रात का समय है, कोई डॉक्टर भी नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं है, ऊपर से ये नहीं है और लाचार व्यक्ति आ रहे हैं, उनके साथ अभद्रता से बात की जा रही है। ऊपर से उसने ये बोला है मुझसे कि मैं ऐसे ही फोन चलाऊंगी, मेरे 12 घंटे की ड्यूटी है। मैंने इससे बोला 12 घंटे की ड्यूटी है तो फिर आप ड्यूटी नहीं कर रहे तो घर बैठिए आप अपने, लेकिन वो तब भी बहस करे जा रही है। मामला है हमारे रिश्तेदार भर्ती हैं, इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, पूरे वार्ड में कोई भी डॉक्टर नहीं है, ना कोई डॉक्टर ना कोई कंपाउंडर। मरीज देखो इनके ऊपर ब्लड चढ़ा हुआ है, कोई भी व्यवस्था नहीं है। आंटी भर्ती हैं यहाँ पे, यहाँ भी कोई व्यवस्था नहीं है। नर्स आई है और नर्स बहस कर रही है इनसे बुरी तरीका से। जो भी कर्मचारी आ रहा है अभद्रता से बात कर रहा है, कोई भी सुनवाई नहीं है। हम ये भी चाह रहे हैं मुख्यमंत्री जी के पास हमारी ये सूचना जाए और इनके पास तत्काल इनके ऊपर कोई ना कोई कानूनी कार्रवाई हो, इनसे मरीजों को कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। मरीजों के तीमारदार लगातार आरोप लगा रहे हैं, अस्पताल में काफी हंगामा काटा गया बीती रात, और इस मामले की जानकारी होते ही पुलिस भी पहुंची। पुलिस ने मामले को रफा दफा कराया, शांत कराया, लेकिन कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। और इस खबर में हमारे संवाददाता धनी राम जुड़ चुके हैं। धनी राम, क्या रहा पूरा मामला, आखिर किस वजह से इतना हंगामा काटा गया? जी मैं बता दूं आपको कि जिला अस्पताल हमेशा इस तरह की सुर्खियों में रहा है शुरू से ही, दिन हो या रात, मरीजों को जो सरकार द्वारा सुविधाएं दी जाती है वो ना के बराबर है। कई बार जिला अस्पताल में इस तरह के हंगामे होते भी रहे हैं और कई बार हुए हैं और मरीज अच्छे खासे परेशान होते हैं। ऐसा ही एक मामला देर रात्रि को मिला था कि जहां एक पेशेंट को भर्ती किया गया था और नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे से मरीजों को डुलाते रहते हैं, और वहां जो पेशेंट थे उन्होंने भी काफी मतलब एक डॉक्टरों से कही, परंतु कोई समझौते इलाज नहीं हो पाता था। इसी बात को लेकर के देर रात्रि करीब 11:30 बजे कई बार मरीजों के परिजन डॉक्टरों से नर्सों से कहने के लिए गए तो कोई सुनने को नहीं आता, परंतु वो क्या हवाला देते हैं कि यहाँ डॉक्टरों की बहुत सारी कमी है, कमी के चलते एक दो हैं, कुछ छुट्टी पर चले जाते हैं, कुछ ऐसे चले जाते हैं। तो इस तरीके की सारी रोज घटनाएं होती रहती है वहां पर, और ना ही समुचित इलाज मिल पाता है उनको। इस वजह से मरीजों ने काफी देर तक हंगामा काटा। हंगामा काटने के बाद में जहाँ पुलिस चौकी थी स्थायी, उसको काटने में पुलिसकर्मी पहुंच गए और उन्होंने इस मामले को रफा-दफा कराया। परंतु बड़ा सवाल यही है इसमें सबसे बड़ा कि डॉक्टरों की कमी के चलते जिला अस्पताल में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं होती है, सरकार भले ही लाख दावे करे। जी मैडम जी, जिस तरह से उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक लगातार औचक निरीक्षण कर रहे हैं, अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं, उसके बाद दूसरी तरफ इस तरह का मामला सामने आता है, असुविधाएं देखने को मिलती है, और क्या कुछ असुविधाएं देखने को मिल रही है, और स्टाफ के बीच क्या अभी भी जिस तरह से एक्शन में उप मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं, क्या कोई डर नहीं है? जी, मैं बता दूं आपको कि सीएमएस के संज्ञान में जब ये मामला गया तो उन्होंने बताया कि इसकी मैं निष्पक्ष जांच करूंगा। मेरे संज्ञान में अभी मामला आया है क्योंकि मामला रात का था। जी बिल्कुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता धनी राम खंडेलवाल जुड़े थे मथुरा से। तो सीएमएस ने तो जानकारी लेने के बाद कह दिया है कि वो इस मामले में एक्शन लेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि क्या सभी अस्पतालों में इस तरह से लापरवाही बरती जा रही है और इसका कोई संज्ञान नहीं लेता? 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।